लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आकाश में वायु, धरती में रस और सागर में जल है। सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और नक्षत्रों में चमक है, किंतु मैं इन सभी में ना दिखाई देने वाला, इनका मूल सार हूं। मैं ओंकार हूं। इधर देवगण चिंतित हैं कि द्रोणगिरी कहाँ गया। उधर वृंदा अपने पति जलंधर की आरती उतारती है। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां आते हैं, किंतु जलंधर उनका अपमान करता है। सभी चकित रह जाते हैं। चिंतित देवगण रक्षा के लिए श्री विष्णु के पास आते हैं, तो वे सभी को रक्षा का आश्वासन देते हैं और लक्ष्मी को वचन भी कि वे जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। जलंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है। इंद्राणी भयभीत होती है। देव दानव युद्ध आरंभ होता है।
जलंधर और विष्णु में युद्ध होता है। पवन, राहु, छोटा सा तो शरीर है तुम्हारा, यूं कहो कि आधे से भी आधा उसे भी तुमने पत्थर की भांति कठोर बना रखा है, भला क्यों? नारद, तुम वीणा अवश्य बजाते हो किंतु तुम्हारी वाणी में विष है। अमृत पान किए हुए असुर को भी अमृत में विष ही दिखाई देगा राहु। नारायण नारायण, दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी आसुरी वृत्ति का है। तुम्हारी दिव्य वृत्ति भी कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगी नारद। नारायण नारायण, राहु, आसुरी शक्तियाँ दिव्य शक्तियों के मार्ग में बाधक अवश्य होती है, किंतु उन्हें परिणाम तथा अपने दिव्य लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य होता ही नहीं। नारायण नारायण, देख लो तुम्हारे दैत्यराज जलंधर स्वर्ग से वंचित रह गए। अरे इतना ही नहीं राहु, वो अपनी बहन और बहनोई माता लक्ष्मी तथा श्रीहरि विष्णु को अपने साथ अपने भवन में ले गए हैं। नारायण नारायण, ये सब तुम्हारी कुटिलता और कुचाल के कारण हुआ है। नारद, तुमने दैत्यराज को भरमा दिया है, मैं जाकर उन्हें सचेत करूंगा। दैत्य और असुरों में यदि सचेत होने की बुद्धि और समझ होती तो स्वर्ग आकाश में नहीं धरती पर होता, और फिर दैत्यराज के लिए सचेत होने की अपेक्षा अचेत होने की संभावना अधिक है। नारायण नारायण, और फिर सचेत करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है, किंतु गुरु शुक्राचार्य से पूर्व वहां पहुंचकर दैत्यराज का गुरु बनने का यदि तुमने प्रयत्न किया तो पान किया हुआ अमृत भी संभवतः कार्य ना करे। नारायण नारायण, और तुम्हारी दुर्गति में कहीं और अधिक वृद्धि ना हो जाए, सावधान, इस बचे हुए मस्तिष्क को बचाना। पति परमेश्वराय नमो नमः। सशंख चक्रं सकिरीटी कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। राजभवन में आप दोनों का स्वागत है, पधारें। स्वामी, आपने देवताओं के हित चिंतक श्री स्वरूपा लक्ष्मी और श्री नारायण को अपने भवन में आमंत्रित कर उनका आदर सम्मान करके अपना यश उज्ज्वल किया है। आपने देव असुर शत्रुता की अनुचित परंपरा को तोड़कर जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सत्य कहती हो वृंदा, जगत की जितनी भी यात्राएं हैं उनका अंत सुखद ही होता है, किंतु शत्रुता की यात्रा का अंत शीघ्र नहीं होता, और होता भी है तो दुखद ही होता है। मेरे भ्राता जलंधर ने इस दुखद यात्रा को बीच में ही समाप्त कर एक महान कार्य किया है। यदि महाबली जलंधर की भांति जगत के अन्य प्राणी भी इस सत्य को मानने की उज्जवल यश और महानता शत्रुता से नहीं वरन मित्रता से प्राप्त होती है। हाँ जगदीश्वर, शत्रुता से संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाता है, मन के विकार, परिवार, स्वजन,
वंश और कुल तक को मलिन कर देते हैं। भावी संतान भी रोगी और भोगी उत्पन्न होती है। सबका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और मित्रता में संपूर्ण वातावरण आनंद उल्लास से परिपूर्ण रहता है। मन मस्तिष्क में सद्भावनाएं, सदाशयता और कल्याणकारी भावनाएं जन्म लेती हैं। जीने की इच्छा बलवती रहती है। संतान भी योग्य और सुपात्र होती है। मित्र भाव सदा सुख संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि करता है। अति उत्तम। यदि महाबली जलंधर की भुजाओं में बल है तो वृंदा के विचारों में उदात्तता, भव्यता और महानता है। अति सुंदर। भाभी किसकी हैं? देवगुरु, श्री हरि विष्णु और जलंधर के संबंधों से मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं इन संबंधों से कोई अनहोनी ना घटित हो जाए। हाँ देवगुरु। अर्थात? देवगुरु, जलंधर देवताओं का शत्रु है और भगवान श्रीहरि विष्णु देवताओं के हितैषी व रक्षक। जलंधर श्रीहरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी अपना अतिथि बनाकर ले गया है। क्या इसका परिणाम शुभ होगा? ये भी हो सकता है कि अब श्री हरि विष्णु देवताओं का पक्ष ना लेकर असुरों के हित व पक्ष में कार्य करें। श्री हरि विष्णु के विषय में ऐसा सोचने का कारण? वे जलंधर के बहनोई हैं गुरुदेव, बहनोई। और कहा भी तो जाता है कि सारे जग की सच्चाई एक ओर और पत्नी का भाई दूसरी ओर। श्री हरि विष्णु भी पत्नी भ्राता के प्रेम प्रवाह में हमसे दूर निकल सकते हैं। आप भूल रहे हैं देवराज, निम्न कोटि के प्राणी स्वार्थवश प्रेम व संबंध में अस्थिर होते हैं, किंतु उच्च कोटि के महान सत्पुरुष स्वार्थ को संबंधों पर भारी नहीं होने देते। भगवान श्री हरि विष्णु के विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। वो कदापि ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो देवताओं के हित में न हो। हाँ, सोचती तो मैं भी यही हूँ। देवी इंद्राणी, आप सोचने का कार्य न करें, सत्य को मानने का कार्य करें। देवगुरु, घटना का सत्य शंका को जन्म देता है और शंका कभी मन में सत्य को प्रवेश नहीं करने देती। नारायण नारायण, बार बार शंका करना और फिर शंकित होकर अपमान करना, ये तो आपदाओं को आमंत्रित करने जैसा है। देवराज, आपने भगवान भोलेनाथ के अवधुतेश्वर अवतार के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, ये जलंधर उसी का परिणाम है जो आपको कष्ट दे रहा है। अब यदि आप भगवान श्रीहरि विष्णु के लिए मन में विरोधी विचार लाएंगे तो फिर कोई जलंधर उत्पन्न होकर आपकी विपदाओं में वृद्धि करेगा। सोच ले देवराज, आपके सिर पर आई सारी विपदाओं के उत्तरदायी केवल आप ही होंगे। नहीं नहीं देवर्षि, हमें श्राप न दें, वैसे ही हमारी विपत्तियां कम नहीं हैं। श्राप, आशीर्वाद, कृपा, अकृपा, ये सब कर्मों और आचरण की उत्पत्ति है देवी सची। कोई भी किसी का हित अहित करने की क्षमता नहीं रखता। प्राणी के कुविचार, सद्विचार, अपकर्म और सुकर्म ही गुरुत्वाकर्षण द्वारा सुफल अथवा कुफल को प्राप्त होते हैं देवी सची। अब भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति कुविचार करना क्या सुफल होगा? देवर्षि, पर ये तो सत्य ही है कि वे लक्ष्मी जी के साथ जलंधर भवन गए हैं। अवश्य गए हैं और उनका आतिथ्य भी स्वीकार किया है, परंतु जलंधर का आतिथ्य स्वीकार करने से ये तो सिद्ध नहीं हो जाता देवी सची कि भगवान श्री हरि विष्णु अब देवगण के शुभ चिंतक और हितेशी नहीं रहे। महान विभूति के विषय में चर्चा और विचार करने के लिए एक महान मन मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ऐसा मन मस्तिष्क जिसके सभी द्वार खुले हो। नारायण नारायण। फिर वृंदा तो एक महान नारी है। देवी शची, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे स्वयं के संबंधों की कटुता का कारण वृंदा ही है। वृंदा की महानता,
वृंदा की उदारता और उसके त्याग की भावना कहीं हम देवताओं की बलि का कारण ना बन जाए। स्वामी स्वामी, धन्य हो गई मैं आपकी बहन लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के दर्शन करके। कितने आत्मीय हैं दोनों, यूं तो दोनों ही आपके शुभचिंतक हैं, किंतु स्वाभाविक है कि बहन लक्ष्मी आपके विषय में अधिक विचार करती हैं। अब वे आपको देवताओं से पराजित होने नहीं देंगी। नहीं वृंदा, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उस चोटी वाले नारायण जपू नारद के बहकाए में आकर मैं भ्रमित हो गया था और लक्ष्मी और विष्णु को अतिथि बनाकर यहां ले आया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके मैंने भारी भूल की है? कहो, नहीं लगता तुम्हें कि मुझसे भयंकर भूल हुई है? हां, यही सत्य है, तुमसे भारी भयंकर भूल हुई है जलंधर। किंतु तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है कि तुम नारद के बहकावे में आ गए थे, उसी ने तुम्हें विष्णु और लक्ष्मी को यहां लाने का परामर्श देकर मूर्ख बनाया है। क्या महाबली जलंधर को मूर्ख बनाया? हां, मूर्ख बनाना और इधर उधर की करके आनंद लेना नारद का काम है। जिसे दुखी होना होता है वो पहले उसकी बातों के भुलावे में आकर मूर्ख बनता है। गुरु, मैं नारद को मरोड़ दूंगा। बहको मत जलंधर, इस संपूर्ण जगत में तोड़ मरोड़ का कार्य करने में केवल नारद ही महारथी है। तोड़ फोड़ का कार्य वो स्वयं हंसते हुए और दूसरों को हंसाते हुए इतने सहज भाव से नारायण नारायण कहते हुए करते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता कि वो कब मूर्ख बनकर रोने के लिए बाध्य हो गया। गुरु, ये मूर्ख मूर्ख का आलाप छोड़ो, अब करना क्या है वो कहो। छोड़ो कैसे, मूर्खता का परिमार्जन तो करना ही होगा। वो कैसे? उन दोनों को तुरंत यहां से विदा करके। हाँ महाबली जलंधर, ये हमारा आदेश है, तुम उन दोनों को तुरंत यहां से विदा करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा तो अमंगल होगा ही, हम भी तुम्हारे मंगल के लिए कोई कामना अथवा सहायता नहीं करेंगे। देवी लक्ष्मी, अब यहां अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। क्यों क्यों उचित नहीं होगा स्वामी? क्या तुमने गुरु शुक्राचार्य का आदेश नहीं सुना? यह आवश्यक भी तो नहीं कि मेरा भ्राता जलंधर गुरु शुक्राचार्य के आदेश को मानेगा ही? वृंदा, सुना तुमने, गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया है कि लक्ष्मी और विष्णु को यहां से विदा कर दिया जाए। नहीं स्वामी, नहीं, यह अनुचित होगा। गुरु के आदेश को ना मानना क्या उचित होगा वृंदा? स्वामी, उचित और अनुचित का प्रश्न तो हर स्थान और कर्म के सामने खड़ा है। अर्थात? स्वामी, आप स्वयं अपनी इच्छा से आदर पूर्वक उन दोनों को यहाँ लेकर आए हैं, अब निरादर से उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहना क्या उचित होगा? शत्रु के विषय में इतना सब विचार करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। स्वामी, उनके शत्रु होने का ज्ञान आपको पहले से था तो आप उन्हें यहाँ लेकर ही क्यों आए? आप ये क्यों भूलते हैं कि लक्ष्मी जी आपकी बहन है और श्री हरि विष्णु उनके पति? निर्णय आपको करना है कि आप उन्हें पहले शत्रु मानते हैं या संबंधी। अपना कोई संबंधी यदि शत्रु हो जाए तो उसके साथ शत्रुता का व्यवहार संगत है, किंतु शत्रु यदि संबंधी हो तो लगता है कि अब मुझे गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता ही नहीं रही। तुम जो गुरु बनकर प्रवचन करने लगी हो, किंतु वृंदा, तुम्हारे प्रवचन का मुझ पर तनिक भी प्रभाव नहीं होगा।
मैं इसी समय जाकर लक्ष्मी और विष्णु को विदा करके आता हूँ। स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अतिथियों का अपमान ना करें, अतिथियों का अपमान ना करें स्वामी। अतिथियों का अपमान नहीं होगा तो मेरा अफसान होगा। सुना नहीं गुरुवर ने क्या कहा था? स्वामी, मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे ना आपका अफसान होगा और ना ही अतिथियों का अपमान। आप निश्चिंत रहें, किसी का हित हुए बिना मैं वो सब कर दूंगी जो आप चाहते हैं। सोच लो वृंदा, यदि तुमने शीघ्र ही वो नहीं किया जो मेरी इच्छा है तो फिर मैं वो कर दूंगा जो तुम्हारी इच्छा नहीं है। मैं दोनों को धकेल कर बाहर कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा अवसर नहीं आएगा। ऐसा अवसर नहीं आएगा तो फिर वैसा अवसर भी नहीं आएगा। मैं ओंकार हूं, आकाश में वायु, धरती में रस और सागर में जल है, सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और नक्षत्रों में चमक है, किंतु मैं इन सभी में ना दिखाई देने वाला, इनका मूल सार हूं। मैं ओंकार हूं, पवन, अग्नि, वरुण भी अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जलंधर नाना प्रकार के मायावी रूप धरता है। विष्णु जलंधर को तीरों से बांध देते हैं। तभी नारद वहां आकर जलंधर को बताते हैं कि विष्णु उसके बहनोई हैं। जलंधर बहन बहनोई को अपने भवन में लाता है। इससे इंद्र चिंतित होते हैं और राहु भी। राहु सूचित करने शुक्राचार्य के पास आता है कि जलंधर माता लक्ष्मी व हरि विष्णु को अतिथि बनाकर अपने भवन में ले गया है। तत्पश्चात राहु की भेंट नारद जी से होती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? हाँ, देवराज इंद्र आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। कृपया तुरंत स्वर्गलोक चले देव ऋषि। क्यों 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 चलूं मैं स्वर्गलोक? क्या मैं आपके देवराज इंद्र का सेवक हूँ? मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूँ। नारायण नारायण, जब इच्छा होगी जहां जाना होगा जाऊंगा, नहीं तो नहीं भी जाऊंगा। रुष्ट ना हो देव ऋषि, हम तो आपसे विनती कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ स्वर्गलोक नहीं चलेंगे तो देवराज हमसे रुष्ट हो जाएंगे। ओ उत्तम, अति उत्तम। देवराज इंद्र आपसे रुष्ट ना हो इसलिए मैं स्वयं अपने को रुष्ट कर लूं। अति उत्तम। आप तीनों की समस्या का बोझ मैं अपने सिर पर भला क्यों उठाऊं? वैसे भी तो आप किसी के कहे बिना सारे जगत की समस्याओं का बोझ अपने सर पर उठाते ही हैं। कहा ना, मैं जो भी करता हूं अपनी इच्छा से करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि देवराज इंद्र मुझे क्यों बुला रहे हैं। वे लक्ष्मी नारायण के जलंधर भवन जाने से चिंतित हैं, जानता हूं। और वे ये चाहते हैं कि मैं उन्हें वहां से लौटा लाऊं, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। आप और असमर्थ? तारकासुर भयंकर असुर था ना? अत्यंत भयंकर। और जलंधर? जलंधर उसके पश्चात उत्पन्न होने के पश्चात भी भयंकरता में उस तारकासुर के पिता का भी पिता है। कौन जाएगा वहाँ? और मैं? नारायण नारायण शिव 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 शिव। नारद नारायण नारायण नारायण।
नारायण भजमन नारायण 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 नारद भोलेनाथ आज्ञा करे भोलेनाथ। जगत में असुर राज जलंधर की उपस्थिति जगत के लिए हितकर नहीं है, इसीलिए उसके विनाश के लिए शक्ति स्वरूपणी पार्वती के क्रोध को तुम्हें जगाना होगा, जागृत करना होगा। यह कार्य करने में केवल तुम ही समर्थ वे योग्य हो, इसीलिए जलंधर के पास जाकर अपनी चतुराई का उपयोग करो। चतुराई का उपयोग? तुम्हारा कल्याण हो। भोलेनाथ, चतुराई का उपयोग? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी, आपका यह आगमन शिव कृपा का ही परिणाम है। मेरे पति और आपके भाई ने व्यर्थी देवगण से युद्ध किया। पृथ्वी का इतना बड़ा साम्राज्य का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ज्ञानी और बुद्धिमान अधिकार के विषय में नहीं, कर्तव्य और आचरण के प्रति सजग रहते हैं। तुम्हारे पति और मेरे भाई महाबली जलंधर ने इन सब से परे अपने पराक्रम से साम्राज्य प्राप्त किया है। केवल पराक्रम ही नहीं देवी, मेरे पतिव्रत धर्म और सतीत्व ने भी महाबली के समृद्धि में योगदान दिया है। ये तो महाबली और मेरे लिए गर्व का विषय है। हाँ, स्वयं भगवान शिव ने मुझे दृढ़ विश्वास दिलाया है कि तुम्हारा सतीत्व सदा तुम्हारे पति की रक्षा करता रहेगा। तुम्हारे शुद्ध आचरण और उच्च विचारों के कारण ही भगवान शिव ने तुम्हें यह वरदान स्वरूप विश्वास दिया है। ओम नमः शिवाय। वृंदा 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 स्वामी, वृंदा तुमने हमारी आज्ञा और अपने वचन का पालन नहीं किया। लक्ष्मी और विष्णु अब तक महल में हमारे अतिथि बने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं स्वामी, नहीं, वे हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कदापि नहीं कर सकते। वे तो हमारे संबंधी और शुभचिंतक हैं। संबंधी शुभचिंतक, इसलिए तुमने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अब तक उन दोनों को महल से विदा नहीं किया। क्या संबंधी ऐसे होते हैं? मेरे प्राण हर लेने के उद्दत अपने पति विष्णु को रोक नहीं सकती थी मेरी बहन लक्ष्मी। क्या बहन ऐसी होती है? ये जानते हुए कि मैं उसके पत्नी का भाई हूँ, विष्णु ने मुझ पर प्राण तक प्रहार किए। क्या बहनों ही ऐसे होते हैं? वो सर्व देवों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है। तो क्या हुआ? देवता हमारे शत्रु हैं, शत्रु। ऐसे निर्दय स्वार्थी मेरे संबंधी और शुभचिंतक नहीं हो सकते, कदापि नहीं। कुछ भी हो, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ जलंधर, अब हमने भी निर्णय ले लिया है
हमें यहाँ से चले जाना है, किंतु इस प्रकार हमें अपमानित करके भेजने का दुष्परिणाम तुझे भोगना ही होगा। अब निश्चय ही जान कि तेरा सर्वनाश समीप है। तू स्वयं हमें यहाँ आग्रह पूर्वक लाया था, किंतु अपमानित करके चले जाने पर बाध्य कर रहा है। ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले जीवन में कभी स्थिर नहीं होते, और तू भी नहीं होगा। अब यहां से चलें स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। अतिथि अपमान महापाप है स्वामी। अतिथियों का अपमान करके आप महापाप की भागी हो गए हैं। अब इसके दुष्परिणाम से आपकी रक्षा कौन करेगा? महारानी वृंदा, बलवान और पराक्रमी कभी कोई दुष्परिणाम नहीं भोगता और अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं समर्थ रहता है। गुरुवर, जगत का कोई भी बलवान और पराक्रमी प्रकृति के नियम और विधि के विधान से अधिक बलवान नहीं होता। नीति विरुद्ध कार्य करने पर परिणाम की छत के नीचे सभी को आना पड़ता है। वृंदा, विधि के इस विधान को तुम अपने आंचल से बांध के रखो, कहीं ये उड़ ना जाए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं महाबली जलंधर, बहुत प्रसन्न हूं। तुमने दांत के नीचे आया कंकड़ निकाल कर फेंक दिया। अब तुम स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करो महाबली। स्वामी, स्वर्ग पर आक्रमण करना अनिष्टकारी होगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें। अपनी बुद्धि से अथवा तुम्हारी बुद्धि से? वृंदा, तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। हे भोलेनाथ, पति की आज्ञा मानूं अथवा अतिथियों का सम्मान करूं? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ ने मुझे कैसे कार्य पर नियुक्त कर दिया है? माता पार्वती के मन में क्रोधाग्नि जगानी होगी, वो भी चतुराई से। कैसे होगी और कौन सी चतुराई से? माता पार्वती की क्रोधाग्नि उत्पन्न होकर कहीं मुझे और मेरी चतुराई को लील गई तो? नहीं नहीं, मैं अपनी चतुराई का प्रयोग अपने से कम चतुर प्राणियों पर करता हूं, अधिक चतुर प्राणियों पर नहीं। परंतु भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा कोई कार्य सौंपेंगे नहीं जिसमें मेरा अहित हो। नारायण नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। किंतु प्रभु, आप दोनों तो महाबली जलंधर के अतिथि थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? लौट नहीं आए, लौटा दिए गए हैं। बहन के घर से भाई लौटता है, किंतु भाई के घर से बहन लौटाई गई, ये सुनकर दुख हुआ। अर्थात तामसिकता विकसित हो रही है। हाँ नारद, ऐसा ही है। जलंधर ने हम दोनों का घोर अपमान किया है, उसका सर्वनाश निश्चित है। हाँ माता, पूज्य आदरणीय और सत्पुरुषों का अपमान करने वाला मृत्यु से पूर्व मृत्यु द्वारा ही अपमानित होता है, और इतना अपमानित होता है कि मृत्यु से पूर्व उसकी मृत्यु भी हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है उसका। माता, आप ही के उद्गार मैं अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूं। वैसे आप दोनों को यहां देखकर मैं अति प्रसन्न हूं, कारण कि आपके दर्शन से मेरी समस्या का समाधान हो गया। वो कैसे नारद? वो ऐसे भगवान, भगवान भोलेनाथ ने मुझे कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया है। आप दोनों के दर्शन से पूर्व मैं द्विधा में था कि वो कार्य पूर्ण होगा कैसे, परंतु आप दोनों के दर्शन के पश्चात द्विधा मिट गई, अर्थात अब वो कार्य मैं निश्चिंत होकर पूर्ण कर सकूंगा। और अब मुझे भगवान भोलेनाथ के आदेश का अर्थ भी समझ में आ गया। श्री हरि। कैसा आदेश?
कैसा कार्य, कौन सी द्विविधा, कुछ तो स्पष्ट कहो नारद। माता, इस जगत में मन और वाणी स्पष्ट रहें और शेष सभी कुछ अस्पष्ट रहें, तो भी जगत के सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे। नारद, तुमने फिर से शब्दों का भ्रमजाल बुनना आरंभ कर दिया। मैं तुमसे पूछ क्या रही हूँ और तुम उत्तर क्या दे रहे हो? माता, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ये कार्य श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारद कुछ बताए बिना ही अदृश्य हो गए। वैकुंठ चलो, वहां तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। महाबली जलंधर की जय। महाबली जलंधर की जय। महाबली जलंधर की जय। असुर अधिनायक महाबली जलंधर की जय। सम्राटों के सम्राट महाबली जलंधर की जय। सेनापति, आज्ञा करें महाबली। सेना तैयार करो, हम तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। नारायण नारायण। तो महाबली जलंधर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या हम स्वर्ग विजय नहीं कर सकते? नारायण नारायण। महाबली, आपका प्रश्न तो अत्यंत सरल है, किंतु मेरा प्रश्न आश्चर्य में डूबा हुआ है कि अब तक आपने स्वर्ग पर विजय की क्यों नहीं? गुरु ने आज्ञा है विलंब से दी नारद। गुरु? ये गुरु कौन है? तुम हमारे गुरु को नहीं जानते? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य। तो महाबली, आप उन्हें आदर और सम्मान से गुरुदेव क्यों नहीं कहते? नहीं, ये देव देवी देवता ना तो देखने में हमारे आंख को भले लगते हैं, ना ही बोलने में हमारे मुंह को भाते हैं। ये देव देवी देवता का उच्चारण ही हमें अस्वस्थ बना देता है। नारायण नारायण। फिर भी महाबली, गुरु का उचित सम्मान तो आवश्यक ही है। आप गुरुवर तो बोल ही सकते हैं। वर 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 तो और भी अधिक विपदाकारी है नारद। नारायण नारायण, इसमें विपदा कैसी? वर में ई प्रवेश कर गया तो? ई? ई? ये ई क्या हुआ महाबली? वही मानव और देवताओं वाला ई जो ईश्वर कहलाता है। शव में यदि ये ई प्रवेश कर जाए तो शिव बन जाता है, वर में घुसकर वीर बन गया तो? गुरु वर से वीर बन जाएंगे, और एक स्थान पर दो वीर कैसे रह सकते हैं? हाँ, वीर जलंधर तो गुरु वीर शुक्राचार्य को अपने मार्ग से हटा ही देगा। हाँ नारद, अकारण ही गुरु के प्राण मेरे हाथों से जाएं, उससे तो उचित यही होगा ना कि मैं केवल गुरु कहकर काम चलाऊं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। महाबली जलंधर, आप केवल महाबली ही नहीं महाज्ञानी भी है। धरती आपको पाकर धन्य हो गई है। हाँ, स्वर्ग और आकाश भी हमें पाकर धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। धन्य हो जाए।